नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। रिलायंस पावर लिमिटेड का पूरा टेक्निकल ग्राफ एनालाइज करने वाले हैं और आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल और हेल्पफुल होने वाला है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हर वीक में, मतलब हर एक मंथ में जो उछाल आ रहा है, अगले मंथ में, मतलब ये मंथ में उछाल नहीं आया था। तो लास्ट जो वीक का मैंने यहाँ पे एनालाइज़ किया था, एनालाइज़ करने के बाद बोला था कि इस वीक में आपको, मतलब लास्ट जो वीक गया है उस वीक में आपको ज़रूर उछाल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका उछाल देखने को मिला है, लेकिन ये जो मंथ है अभी भी दो दिन बाकी है ख़त्म होने में। तो इस मंथ में आपको ज़रूर उछाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि आप सभी को पता है अकॉर्डिंग टू ग्राफ एनालाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ एनालाइज जो है थोड़ा सा हमें यहाँ पे उछाल देखने को मिला है, लेकिन अगर हम सिक्स मंथ का बात करें तो अभी तक जो सबसे बड़ा उछाल था 17.40 रुपये का, उससे बड़ा उछाल अभी तक नहीं आया। तो वहाँ पे, मतलब जून के महीने में जो ख़रीदारी किया था यहाँ पे, तो उसका अभी भी लॉस में ही चल रहा है। तो उसका प्रॉफिट कब होगा? तो उसका प्रॉफिट आप बोल देता हूँ कि इस वीक में बहुत ही मुश्किल है उसका प्रॉफिट देखने के लिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले वीक में, मतलब ये जो सामने वीक आ रहा है, आज से जो वीक शुरू हो रहा है, तो उस वीक में क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, कितना ज़्यादा इंक्रीज पॉइंट देखने को मिलेगा, कितना ज़्यादा डिक्रीज पॉइंट देखने को मिलेगा, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और वन वीक का हम ग्राफ एनालाइज करके आगे क्या हो सकता है उसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल डिस्कशन होने वाला है और ग्राफ एनालाइज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक नया स्ट्रेटजी आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ग्राफ एनालाइज के ऊपर नॉलेजेबल वीडियो का डिस्कशन आप देखते रहे और आपका नॉलेज बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आने वाले लास्ट वीक में, मतलब इस मंथ का लास्ट वीक में जो लास्ट वीक हुआ है, अगले वीक जो गया है उस वीक में आपको उछाल देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ग्राफ एनालाइज करने के बाद जो पता लगाया था कि एक इस वीक में आपको उछाल देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा ही उछाल देखने को मिला है, मतलब यहाँ पे जो जून के महीने में जो उछाल देखने को मिला था उससे बड़ा उछाल, मतलब उससे बड़ा उछाल अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन उसके बाद वाला जो बड़ा उछाल है आप यहाँ पे अगस्त में देख सकते हैं, और अगस्त के बाद यहाँ पे आपको 27 तारीख को देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब पिछले वीक में, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीक में बताया था। अगले वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम बात करने वाले हैं, अगर हम बात करते हैं कि आगे आने वाले वीक में, मतलब आज से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर अगर हम ग्राफ एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है, देख सकते हैं आप, अभी तो कौन सा महीना चल रहा है, देखिए अभी अगस्त का 30 तारीख है, मतलब आज 30 तारीख, कल 31 तारीख, अभी भी ये जो मंथ है वो ख़त्म होने में दो दिन बाकी है। तो मंथ एंड में यहाँ पे आपको एक छोटा सा उछाल ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें अभी उछाल ही देखने को मिल रहा है। ग्राफ एनालाइज वन डे का अगर हम बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट में ही चलने को दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वन मंथ का जगह 5 डे का अगर हम देखते हैं, वन डे के अगेंस्ट 5 डे का अगर हम देखते हैं, तो हम उछाल में ही चल रहे हैं। तो अगले जो दिन है, मतलब आज और कल, ये जो दिन है ये हमें प्रॉफिट ही देगा, और परसों से थोड़ा सा हमें डिक्रीज पॉइंट देखने को मिल सकता है, ज़्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा हमें डिक्रीज पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो ये जो वीक है आपको वीक के शुरुआत में, मतलब दो दिन आज और कल आपको इंक्रीज पॉइंट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू ग्राफ एनालाइज मिल सकता है। ठीक है, तो
और बाकी जो दिन है वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिक्रीज पॉइंट भी देखने को मिल सकता है। तो यही आपका ग्राफ एनालाइज हो गया वन वीक का। तो ये जो वन वीक का ग्राफ एनालाइज है ये आपको ज़रूर देखना चाहिए और इसके ऊपर आप भी ग्राफ एनालाइज कीजिएगा। इससे आपको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होने वाला है ग्राफ एनालाइज के ऊपर और भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो अभी तक ये जो वीक है ये वीक में जो जून महीने में यहाँ पे ख़रीदारी किया था तो उसका ये वीक में भी अभी प्रॉफिट में नहीं हो सकता है क्योंकि ये वीक में भी आपको थोड़ा सा डिक्रीज पॉइंट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो ये दो दिन है यहाँ पे आपको इंक्रीज पॉइंट भी देखने को मिल सकता है ये पहले दो दिन, ठीक है। ये इस वीक का फर्स्ट दो दिन इंक्रीज पॉइंट देखने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और उसके बाद हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया इस वीक का बात। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो जून महीने में ख़रीदारी किया था तो उसका क्या होगा, तो देखिए अभी तो उसको होल्ड करने में ही भलाई है क्योंकि अभी तक तो उतना बड़ा उछाल हमें एनालाइज करने के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आपको होल्ड करके रखना पड़ सकता है जो कि भविष्य में आपको उससे भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यही था आज का ये वीडियो, टेक्निकल एनालाइज हुआ है। और आर पावर के ऊपर और भी कोई नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं।